तो यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकवादी खतरे की आशंका बढ़ गई है। 12 जुलाई को यूपी विधानसभा में विस्फोटक पीईटीएन मिलने के बाद यह साफ होता है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के जरिए यूपी सीएम आदित्यनाथ को दी गई धमकी एक कोरी चेतावनी नहीं थी, बल्कि इसको लेकर बेहद सतर्क होने की जरूरत है। जैश के लेटेस्ट संदेश में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया इसराइल यात्रा पर गुस्सा जताया है और यहूदियों और हिंदुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए आतंकियों को ललकारा। उसी संदेश में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र हुआ था। जैश ए मोहम्मद सरगना आतंकी मसूद अजहर ने कुछ समय पहले खुद एक धमकी भरा खत लिखा था और एक ऑडियो संदेश रिकॉर्ड, जिसे उसके एक एसोसिएट ने रिकॉर्ड किया था। सादी नाम जो मसूद अजहर अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके जरिए ऑडियो संदेश जारी हुआ। लिहाजा पहले धमकी भरे संदेश भेजना और उसके 36 घंटे के अंदर यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने से इस बात की आशंका गहरा जाती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैश के निशाने पर हैं।